गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? सभी ठीक है ना? इस समय कोरोना का समय चल रहा है, सभी लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, घर पर ही रह करके सभी पढ़ाई करें, अनावश्यक रूप से कहीं बाहर ना जाएं। ऑनलाइन क्लासेस आप लोग की चल रही होंगी, उन ऑनलाइन क्लासेस को पढ़ें और बेवजह घर से जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोरोना अपने पीक पर इस समय है और जितने भी कोरोना की गाइडलाइंस दी जा रही हैं आप उसका पालन करें। उनके पालन करने से आप भी स्वस्थ रहेंगे और आपके फैमिली मेंबर्स भी स्वस्थ रहेंगे। इसलिए जो भी गाइडलाइंस है उनका पालन करें, मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, हाथों को धुलते रहें, भीड़ भाड़ में ना जाएं, दूसरे व्यक्तियों से मिले तो एक डिस्टेंस हमेशा बना के रखें। अगर आप इन सभी का पालन करेंगे तो आने वाले दिनों में आप स्वस्थ रहेंगे। मुझे लग रहा है कि आप पालन कर भी रहे होंगे और इसके बारे में अपने सभी मित्रों को, सभी जानने वालों को जानकारी भी दें। जितने ज़्यादा आप सजग रहेंगे उतना अच्छी बात है। और आपकी अगर एज 18 प्लस है तो आप वैक्सीन जरूर लगवाइए। इन सभी चीज़ों के साथ आगे हम लोग सिलेबस को पढ़ते हैं कि सिलेबस क्या है। तो मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये थर्ड पेपर होता है बीएससी का। जो बच्चे भी बीएससी कर रहे हैं उनका ये थर्ड पेपर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि किस बुक से पढ़ें, तो मैं जिसे प्रेफर करता हूँ, जिससे बच्चों को कहता भी हूँ पढ़ने के लिए, उस बुक का नाम है अरुण बहल एंड बी एस पहल। ठीक ठाक बुक है, अच्छी बुक है और आप इस बुक में काफ़ी कुछ कंटेंट पाएंगे। मैं फिर से नाम बोल रहा हूँ, अरुण बहल एंड बी एस पहल। काफ़ी अच्छी बुक ये बुक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। ये बुक का नाम है जिसकी सहायता से आप पढ़ सकते हैं। मेरे पास बुक है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि बुक कैसी है। तो बहुत ही अच्छी बुक है, ये देखिए बुक है ये, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है, अ टेक्स्ट बुक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये अरुण बहल एंड बी एस बहल की बुक है। और ये मेरे पास देखिए 22nd एडिशन है, नई बुक है ये बिल्कुल। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी है, प्रीफेस दिया हुआ है, इसके बाद कंटेंट को हम देख रहे हैं, ये देखिए। तो काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसको देख सकते हैं। ये कंटेंट्स के बारे में ब्रीफ कंटेंट्स है, प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एम्पीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड देयर मैकेनिज्म, आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर, स्पेक्ट्रोस्कोपी, एल्केन्स एंड पेट्रोलियम, एल्कीन्स, एल्काइन्स, एल्किल हैलाइड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ऐसे ले करके, और लास्ट में नाइट्रल्स हैं, साइनाइड जिसे आप कहते हो। और इसी तरीके से सेकेंड पेज पर भी है इसमें कंटेंट्स की। और ये स्टार्ट हो रहा है एस्टोएस्टिक एस्टर से, एस्टोएस्टिक एस्टर एंड मेलोनिक एस्टर से स्टार्ट हो रहा है। और लास्ट जो टॉपिक इसका है डेट इज़ अ मल्टी स्टेप सिंथेसिस, मल्टी स्टेप सिंथेसिस इसका लास्ट टॉपिक है। विटामिन, स्टेरॉइड्स एंड एंटीबायोटिक्स हैं, सिंथेसिस मैं नीचे से पढ़ूँ, सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, टर्पिन्स हैं, एल्कलॉइड्स हैं, ऐसे। तो काफ़ी अच्छी बुक है और आपको ढेर सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे इसके अंदर। और साथ ही साथ ये तो ब्रीफ कंटेंट था, साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो ये डिटेल कंटेंट्स भी दे रहे हैं। डिटेल कंटेंट्स में हर एक टॉपिक के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं इनके बारे में बताया जा रहा है।
जैसे प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्रिस्टलाइजेशन है, सब्लिमेशन है, डिस्टिलेशन है, स्टीम डिस्टिलेशन है, एक्सट्रैक्शन विद अ सॉल्वेंट, क्रोमेटोग्राफी, टेस्ट ऑफ प्योरिटी एंड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हैं, ऐसे करके। तो आप देख सकते हैं अच्छे से, मैं कुछ देर रख दे रहा हूँ जिससे आप इसको आप लिख सकें, या फिर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। मैं कुछ देर के छोड़ दूंगा जिससे आप देख सकें, टॉपिक को आप देख सकें। काफ़ी अच्छी बुक है, देखिए आपको देख के ही लग रहा होगा काफ़ी अच्छे से सब कुछ लिखा गया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। मैं कुछ देर के छोड़ रहा हूँ इसको जिससे आप आसानी से देख सकें।